आज के मिसा मतलब इस प्रकार है। पहला, यह पवित्र मिसा ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए चढ़ाया जा रहा है कि उसने हमें संत मदर टेरेसा को इस कैथोलिक कलीसिया के लिए दिया है। आज संत टेरेसा का 25वां पुण्य तिथि है। प्रभु को धन्यवाद। साथ ही समस्त मिशनरीज ऑफ चैरिटी की सभी शाखाओं पर ईश्वर की विशेष आशीष और कृपा हो और वे संत मदर टेरेसा के आदर्शों पर चल सके। सभी गरीब दुखी और सभी हमारे संस्था से जुड़े सहकारी गणों पर भी प्रभु की भरपूर आशीष और कृपा हो, इसके लिए निश्चा मतलब। दूसरा, आज के सुंदर दिन के लिए पिता ईश्वर को धन्यवाद। एमसी एवं एलएमसी परिवार के सभी सदस्यों को पिता परमेश्वर सुस्वस्थ रखें एवं आशीष और कृपा प्रदान करें ताकि संत मदर टेरेसा के बताए हुए मार्गों पर चलकर ईश्वर की स्तुति और महिमा अच्छी तरह से कर सके, इसके लिए एलएमसी परिवार की ओर से पवित्र मिसा। पिता पुत्र पुत्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो। इस तरह से हम जानते हैं कि ईश्वर ने कलीसिया में प्रारंभ से ही हमारे प्रभु यीशु के समय से ही बहुत सारे वरदान दिए हैं और उसी वरदान का फल है कि उसने मदर टेरेसा संत मदर टेरेसा को चुना कि वह कलीसिया के लिए बहुत बड़ा वरदान बने। मदर संत मदर टेरेसा वास्तव में एक बहुत बड़ी संत है। उसके जीवन के गहराई से अगर हम विचार करें मनन करें तो हम पाएंगे वास्तव में ईश्वर उसकी बहुत बहुत बड़ी माएँ दी है। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद दिए, हम परमेश्वर को उनके धर्म समाज को धन्यवाद दें और धर्म समाज जितनी भी सिस्टर पर काम कर रही है और उनके सहयोगी हैं काम कर रहे हैं लोगों की सेवा के लिए, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और ईश्वर से आशीर्वाद मांगे और प्रार्थना करें कि उनके कामों पर किसी तरह की अड़चन न हो बल्कि लोग और ईश्वर उनकी सहायता करें। अभी हम अपने सारे पाप के लिए पश्चाताप करें ताकि इस पर प्रदान करिए I'm
स्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। Yeah.
सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने क्रूस पर प्यासे अपने पुत्र के प्यार का प्रत्युत्तर देने के लिए गरीब दीन दुखियों के प्रति उत्कृष्ट प्रेम से अनुप्राणित कुमारी संत रिसा को बुलाया। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हम भी हमारे पीड़ित भाई बहनों में क्रिस्त की सेवा कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त द्वारा जीश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। Amen.
धन्यवाद।
मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी
नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए ही नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ जिसे हमने नबी साहब के ढंग से सुना और आज के सुसमाचार मती अध्याय 23 से सुना, इन पाठों से साफ साफ जाहिर होता है कि ईश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को प्यार करें। ईश्वर क्यों चाहता है कि हम एक दूसरे को प्यार करें? क्योंकि ईश्वर हमारा पिता है और हम उसकी संतान हैं, और उसकी संतान होने के नाते हम एक दूसरे के भाई बहन हैं, और ईश्वर सबको एक दूसरे से प्यार करता है। धनी हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, स्वस्थ हो, अस्वस्थ हो, अच्छा हो, बुरा हो, सबको ईश्वर एक दृष्टि से प्यार करता है। और ईश्वर चाहता है कि हम भी सबको एक दृष्टि से प्यार करें। इसलिए जो गरीब है, दीन दुखी है, उनको भी हमको प्यार करना है। और प्यार करने का मतलब जिसे कि पहले पाठ में हमने सुना और सुसमाचार में सुना, भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी पिलाना, बीमारों से मिलने जाना, बंदीगृह में मिलने जाना, और इस तरह से हमें उनकी सेवा करनी है, सेवा करनी है, उनकी देखभाल करनी है, उन्हें प्रेम देना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, उन्हें सांत्वना देनी है, बीमार है तो उनकी सहायता करनी है। ये ईश्वर हमसे चाहता है। हमने दूसरे पाठ में सुना संत योहान खुद ईश्वरीय प्रेम से सराबोर थे, प्रेम को गहराई से जानते थे, वो प्रेम की व्याख्या करते हैं बहुत सुंदर ढंग से। तो प्रेम मात्र प्रेम है, प्रेम ही हमारे जीवन का आदर्श है, केंद्र बिंदु है। और ईश्वर इस प्रेम को कलीसिया में देता है और समय समय पर किसी किसी को चुनता है ताकि वे ईश्वर के प्रेम को गहराई से समझा सके। क्योंकि मनुष्य मनुष्य है, वो समय बीतते बीतते ढीला हो जाता है, और इसलिए वह किसी किसी को चुनता है ताकि वे उस प्रेम को गहराई से अनुभव करें और उस प्रेम को तब दूसरों को बांटें। यही हुआ कि सिस्टर एरेसा लोरेंटो सिस्टर, वह 10 सितंबर 1946 को कलकत्ता से दार्जिलिंग जा रही थी ट्रेन, छोटी ट्रेन चुप 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 करके जाती थी, 8-9 घंटा लगाती थी, उसी में जा रही थी। आप दार्जिलिंग गए तो देखेंगे उधर का दृश्य बहुत सुंदर है। तो ट्रेन में वो रोज की प्रार्थना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी, और प्रार्थना करते ईश्वर की महिमा करते करते मन ध्यान करते जा रही थी। और तब उसी ट्रेन में, उस तक दार्जिलिंग पहुंचने के पहले, ईश्वर ने उसे बहुत गहरी प्रेरणा दी। इसको हम रहस्यात्मक अनुभव कहते हैं, अर्थात ईश्वर आत्मा को बड़े छूता है और उसको बोलता है अंदर में, अंतरात्मा में उसको
एक संदेश देता है, और हमारे प्रभु ने संदेश दिया मधुकर से कि मैं प्यासा हूं। उसने कहा मैं प्यासा हूं, और फिर उसने समझाया मैं प्यासा हूं क्रूस पर। जब हमारे प्रभु क्रूस पर लटके हुए थे उस समय हमारे प्रभु ने कहा था मैं प्यासा हूं। और जब प्रभु जो कहते हैं मैं प्यासा हूं तो उसका दो अर्थ था। एक तो वे शारीरिक रूप से प्यासे थे, जो उनको पानी की जरूरत थी, पेय पदार्थ की जरूरत थी। दूसरे उनकी जो प्यास थी वो थी आत्माओं की प्यास, और वो थी प्रेम की प्यास। उसने मदर टेरेसा के हृदय में साफ साफ कह दिया कि मैं प्रेम का प्यासा हूं, मैं आत्माओं का प्यासा हूं। और वह संदेश या प्रेम का वो रहस्यात्मक अनुभव इतना गहरा था कि उसने एक नया जीवन अपनाया। वो नया जीवन अपनाते हुए हम देखते हैं कि किस तरह से ईश्वर की प्रेरणा से ही धर्म समाज की स्थापना हुई, और धर्म समाज देश विदेश में काम कर रहा है लोगों की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए। विदेश में भी ऐसा मत समझिए कि विदेश में सब कोई देने वाली है, उधर भी बहुत लोग गरीब हैं, दिन दुखी हैं, परित्यक्त हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। मैंने देखा है रोम में, देखा है मैंने अमेरिका में, देखा है मैं क्रोएशिया गया था वहाँ मैंने देखा, मगर 300 सिस्टर लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, तरह तरह के बहुत उनके लिए रहने की जगह नहीं है, उनके लिए जगह दी जाती है, रात को दिन को भी जाते हैं भीख मांगते हैं, कुछ करते हैं, फिर रात को सोने दिया जाता है इस तरह से। और उसके बाद में आप सब भी जानते हैं कि क्या क्या काम हो रहा है। ये सब ईश्वर की प्रेरणा है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर का वरदान है। और संत मदर टेरेसा ने उस प्रेरणा को जीवन में निभाया गहराई से, और वो एक बहुत बड़े संत इसलिए हैं क्योंकि वह एक कॉन्टेम्पलेटिव इनएक्शन थी, अर्थात वो जो भी काम करती थी वह ईश्वर की महिमा के लिए करती थी, ईश्वर की महिमा के लिए, और ईश्वर की महिमा के लिए, ईश्वर के प्रेम के लिए, आत्माओं जो हमारे प्रभु को प्यास थी उसको बुझाने के लिए, प्रेम की जो प्यास थी उसको बुझाने के लिए वो करती रहती थी। और इसलिए उसका आज्ञा, उसकी आध्यात्मिकता भी बहुत गहरी थी। तो हम आज परमेश्वर को धन्यवाद दें उनकी मृत्यु की 25वीं पुण्यतिथि के अवसर पर। ईश्वर ने जरूर उसको मेहमानित किया है। हम प्रार्थना करें कि हम उसके आदर्शों पर चलकर उसकी जो कार्यक्रम है, उसकी जो मूल प्रेरणा है, उसको हम भी गहराई से अपने हृदय में रखें, और उसके अनुसार हम भी लोगों की सेवा कर सकें, ईश्वर की महिमा कर सकें। इन्हीं सब कृपाओं के लिए हम प्रार्थना करें। विश्वास Thank you.
हमारे हृदय की प्रत्येक प्रार्थना सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के पास पहुंचे, क्योंकि वह चाहता है कि सारे मानव जाति का उद्धार हो और सब लोग सत्य का ज्ञान प्राप्त करें। Thank you.
हमारा बल है, अपने कलीसिया की प्रार्थनाएं सुन ले, क्योंकि तू ही सारी भक्ति का स्रोत है। जो कुछ हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं उसे हम वास्तव में प्राप्त करें, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु कृष्ण द्वारा। आमीन। चढ़ाते हैं हमें कृपा प्रदान कर किस पावन रहस्य में सहभागी होकर हमारा जीवन प्रेम की ज्वाला से धधक उठे और आत्माओं की मुक्ति के लिए उत्साह से भर जाए। ऐसा वर दे उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर तूने संत तेरेसा को मिशनरी जो चैरिटी के धर्म बांध बनाकर क्रूस पर मरते अपने पुत्र की प्यास का सहभागी बनाया। उसने गरीब की दुखियों के बहिष्करण को अपने ऊपर ले लिया और अपने आप को उनकी सेवा के लिए पूर्णतया समर्पित करके तेरे करुणा में प्यार की ज्योति को प्रदर्शित प्रसारित किया। इसलिए दूतों और महादूतों और संतों की मंडली के साथ मिलकर
तेरी महिमा का गुणगान करते हुए निरंतर स्वर से गाते हैं। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे और भक्तों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहिए। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टोपो और सहायक धर्माध्यक्ष थियोडोर मास्मेरनस, सभी आजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में पर लोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य जोसेफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ, संत मदर तेरेसा के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
ईश्वर का मेमना उसे देखिए जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। आपकी पवित्रता
और आपकी बहुमूल्य उपस्थिति से यह समारोह आशीषों से भर दिए। आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। फादर गन, फादर फिलोमिन, फादर इग्नेशियस, फादर मार्टिन, आपकी उपस्थिति से इस पवित्र वेदी की शोभा बढ़ी। आप लोगों को धन्यवाद। हमारे प्यारे एफटीआई के प्रदेश, आपके अधिक परिश्रम से आज का समारोह स्वर्गीय बनाया और हमें भक्तिपूर्ण सक्रिय से भाग लेने में मदद की। आप सबों को हार्दिक धन्यवाद। इस पर्व की संबल बनाने में हमारे ले मिशनरी ऑफ चैरिटी की उपस्थिति और आप सबों का योगदान प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रहा। आप सबों को धन्यवाद। अंतिम आशीष के बाद संत मदर टेरेसा के रिलीफ का वेनरेशन होगा। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे ईश्वर, जो पावन रहस्य हमने ग्रहण किया है वह हमें ऐसे प्रेम की आंख से पोषित करे जिससे संत टेरेसा ने आनंदमय मनोभाव से गरीब दीन दुखियों में तेरे पुत्र क्रिस्त की सेवा की। ऐसा वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। शक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। विदाले प्रभु की शांति साथ रहे। ताकि हम मदर टेरेसा के आदर्शों पर चलकर एक दूसरे की सेवा सहायता कर सके, आत्म त्याग कर सके और हमारे प्रभु की प्यास को बुझाने के लिए आत्माओं को ईश्वर के पास लाने का प्रयत्न कर सके और प्रभु के प्रेम को सर्वत्र फैलाने का प्रयत्न करें। हमारा ईश्वर मदर टेरेसा की मदद से हम सब आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।